गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव टू टॉट गेट्स, सम लॉजिक गेट्स, नैंड गेट्स, नॉर गेट्स एंड एक्सोर गेट एंड एक्सोर गेट एंड एक्सोर नो एक्स नॉर गेट। फर्स्ट आई कैन एक्सप्लेन अबाउट नैंड गेट। NAND गेट, AND गेट, ये D जो होता है AND गेट का होता है। इस तरह से NOT लगा हुआ है, इस तरह से लगा है AND प्लस, AND प्लस NOT मिला के क्या होता है NAND गेट बनता है। ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है, ये Y हो गया। ये इनपुट है, ये वाई आउटपुट है। तो वाई वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू बी का इन्वर्स, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। इसको लॉजिक सिंबल कहते हैं, सिंबल कहते हैं। अब हम जाते हैं, चलते हैं ट्रुथ टेबल पर। ट्रुथ टेबल इसका कैसा होता है, टी आर यू टी एच, ट्रुथ टेबल। तो हम बना लेते हैं, ए इनपुट है, बी इनपुट है, वाई आउटपुट है, यही है ट्रुथ टेबल उसका। तो उसको मैं ज़ीरो 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 का क्या होगा, वन होगा। फिर ज़ीरो इंटू वन उसका उल्टा, जीरो इंटू जीरो वन क्या होता है, जीरो होगा उसका क्या होगा, वन हो जाएगा। इनवर्स वन ज़ीरो क्या होगा, वन इंटू जीरो क्या होगा, जीरो होगा। जीरो का उल्टा क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, इसका वन हो जाएगा। तो वन इंटू वन वन, वन का इनवर्स क्या होगा, इसका जीरो हो जाएगा। ये रहा आपका ट्रू टेबल नाइन गेट का, कौन गेट का हो गया, ये नाइन गेट का ट्रू टेबल रहा आपका। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं आपके आगे, आता हूँ मैं नोर गेट। एन ओ नोर गेट, ठीक है। तो नोर गेट क्या कैसे होता है, और प्लस नोट। और गेट तो देखे होंगे पिछले बार में मैं बतलाया था, और प्लस नॉट, ये और हो गया, ये नॉट हो गया, ठीक है। ये ए और बी, ए भी क्या हुआ, इनपुट हो गया, अब वाई आउटपुट हो गया, ये नॉट लग नॉट है, इस नॉट का सिंबल है गोल जो है, तो इसको लॉजिक सिंबल कहते हैं। नॉट गेट हो गया, ये नैंड गेट हो गया, लॉजिक सिंबल हो गया। आप देख रहे हैं सही से, तो ये दोनों इनपुट है, ए और बी को इनपुट है और वाई आउटपुट है, तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का इनवर्स, ठीक है। इसको बुलियन एक्सप्रेशन करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन करते हैं। अब इसका हम ट्रुथ टेबल देखते हैं, ट्रुथ टेबल कैसे होता है। ट्रुथ टेबल पे चलते हैं, तो दो इनपुट होता है, एक आउटपुट है, ए बी इनपुट है, वाई आउटपुट है। तो देख लेता हूँ, इसका जीरो प्लस जीरो तो क्या होगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, तो जीरो उल्टा क्या होगा, वन हो जाएगा, होगा जीरो वन का वन, जीरो प्लस वन वन होता है, तो वन का उल्टा क्या होता है, जीरो हो जाएगा। वन प्लस जीरो
तो जीरो वन प्लस जीरो क्या होता है, वन हो जाता है प्लस में, तो वन का उल्टा क्या होता है जीरो हो जाएगा। फिर चलते हैं वन प्लस वन, तो वन होगा, वन का उल्टा क्या होगा जीरो होगा। ये रहा आपका ट्रू टेबल ऑफ नॉर गेट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अब हम लोग चलते हैं एक्सोर गेट पर। तो एक्सोर गेट और गेट एक्सोर गेट पर चलते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं एक्सोर गेट पर। एक्सोर गेट कैसे हम ड्राइव करेंगे, आउटपुट इज हाई रहता है ऑफ बोथ इनपुट। इसका आउटपुट क्या होता है, आउटपुट इज हाई हाई ऑफ बोथ इनपुट ऑफ ऑफ एक्स एक्स और हैव डिफरेंट लॉजिक हैव। लॉजिक इसका डिफरेंट लॉजिक होता है। अब हम लोग लॉजिक डायग्राम में चलते हैं, सिंबल में चलते हैं। तो ये एक्स हो गया, ये एक्स का सिंबल हो गया, ये ए हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ए ओ बी हो गया, ये ऐसे वाई क्या हो गया आउटपुट हो गया। ठीक है, इसको लॉजिक सिंबल कहते हैं। जिक लॉजिक लॉजिक सिंबल कहते हैं इसको। किसका लॉजिक सिंबल है, एक्सोर गेट का हो गया। ठीक है, अब हम वाई इज इक्वल टू क्या होता है इसका, y इज इक्वल टू तो a बार b प्लस ए बी बार, इसको क्या कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। अब आते हैं ट्रुथ टेबल के पास। टेबल इसका कैसा होता है एक्सोर गेट का, तो देखिए दो हम लोग जानते हैं, हम लोग देते हैं दो इनपुट, आउटपुट हमको वाई मिलता है। तो ए बी क्या हुआ इनपुट हो गया, वाई आउटपुट हो गया, तो जीरो जीरो क्या आएगा जीरो आएगा, जीरो वन करेंगे तो क्या आएगा वन आएगा। ठीक है, वन और जीरो करेंगे तो क्या आएगा वन आएगा, वन वन करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा। ये आपका लॉजिक ट्रुथ टेबल हो गया एक्सोर गेट का। ये एक्सोर गेट का ट्रुथ टेबल हो गया आपका। अब हम एक नेक्स्ट में आते हैं, एक और पर एक्स नॉर गेट बच रहा है हम लोग का, ई एक्स एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट कैसे होता है, एक्स और प्लस एक्स और प्लस नॉट मिला के होता है एक्स नॉर गेट होता है। तो एक्स नॉर गेट के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसका कैसा सर्किट लॉजिक ये होता है कैसे बनता है। ये हो गया सिंबल इसका, ये नोट लग गया है, ये इनपुट है दो ए और बी इनपुट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ये वाई क्या हो गया, नहीं ए वी वाई,
वाई हो गया, इसमें नोट लग गया है, ठीक है, वाई हो गया। इस तरह सिंबल होता है इसका, इसको लॉजिक सिंबल कहते हैं। इसमें नोट लगा हुआ है, ये जो गोल हो गया नोट हो गया, इसको लॉजिक सिंबल, एक्स नोर गेट का लॉजिक सिंबल हो गया। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस ए बार बी बार, ये होगा। तो वाई ये होगा, तो हम लोग देखते हैं, बी प्लस ए बी बार जस्ट इसका ऐसे ये है। ट्रुथ टेबल देखते हैं हम लोग, ट्रुथ टेबल इसका टी आर जो टी एच टेबल एक्स नोर का, एक्स नोर गेट का ट्रुथ टेबल देखते हैं। पहले दो इनपुट देते हैं हम लोग, अगर पता है ए ओ बी इनपुट है, वाई आउटपुट है, तो ए बी वाई, ठीक है। तो हम लोग जीरो 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 का क्या होगा वन, जीरो वन का क्या होगा ज़ीरो, ठीक है, वन का क्या होगा फिर ज़ीरो, वन और जीरो का क्या होगा ज़ीरो आएगा। दो इनपुट दे रहा हूँ, वन वन इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा वन, इसका ये हो गया, ठीक है। हम लोग तीन गेट लिया, नैंड गेट लिया, नोर गेट लिया, एक्स और गेट लिया, ठीक है, एक्स नोर गेट लिया। अब हम आएंगे ट्रेनर किट पर, ट्रेनर किट लिया, ट्रेनर किट से किस तरह से हम इसको सॉल्व करता हूँ। ये हो गया आपका ट्रेनर किट, इसका ट्रेनर डिजिटल है, ट्रेनर फॉर द कम्बिनेशन लॉजिक, ये आपका ट्रेनर किट के नाम हो गया। ये लॉजिक जीरो है, इधर वाला ग्राउंड है, इधर वाला लॉजिक वन है, ठीक है। ये मेन पावर है, स्विच है, ठीक है। मैं ये आपका पैच कोड हो गया या कनेक्टिंग वायर हो गया, मैं ये इस्तेमाल करूँगा। ये होगी आपकी मल्टीमीटर, मल्टीमीटर इस्तेमाल करूँगा। पहले मैं चलता हूँ नैंड गेट पर, नैंड गेट कैसे बनता है, एंड एंड गेट, ये एंड गेट हो गया, एंड गेट और नॉट गेट मिला के आपको नैंड गेट बनता है। नॉट गेट कहाँ हो गया, ये हो गया आपका नॉट गेट। तो ये यहाँ से लेके यहाँ नॉट गेट यहाँ पर लगा हुआ है, ये हो गया नॉट गेट यहाँ पर, ठीक है। अब हमको लेना है जीरो 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 ले रहा हूँ क्या, तो क्या आना चाहिए, ये जीरो लिया, जीरो लिया, पावर ऑन कर देते हैं, ये मल्टीमीटर ऑन में कर दिया हूँ, ठीक है। जीरो जीरो है तो क्या आना चाहिए, ठीक है, जीरो जीरो है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, एक ग्राउंड में ये ले लिया मैं, तो जीरो जीरो को वन आना चाहिए, देखिए वन आ रहा है, 1.5 आ रहा है, वन वन पॉइंट फाइव कंसिडर्ड हो गया वन का, तो जीरो जीरो वन आ रहा है। अब हम लेके जाएंगे यहाँ सो कीजिए, जीरो वन, जीरो वन पर जाएंगे, फिर वन जीरो पर जाएंगे, वन पर जाएंगे, वन वन पर जाएंगे। तो पहले मैं कंसिडर करना जीरो वन, जीरो पे एक लेते गया, फिर इसको ये एक उठा के मैं वन पे कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए जीरो वन पर क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, देखिए 1 point something आ रहा है, 5 आ रहा है, ये कंसिडर्ड हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 1 किया, अब मैं जो करूँगा 1 और 0 करूँगा, तो 1 इसको 1 में कर लेता हूँ, इसको 0 कर लेता हूँ, तब क्या आता है, तो 1 और 0 का किया तो क्या आना चाहिए, 1, देखिए ये भी वेरीफाइड हो गया, 1 आ रहा है। अब 1 1 में लेऊँगा, देखिए ये 0 पर था, ये इधर चेंज कर देता हूँ 1 पर 1 पर, दोनों डाल के देख रहा हूँ क्या कंसिडर कर रहा है। अब 0 आना चाहिए, देखिए 0 point something आ रहा है, नेट गेट आपका वेरीफाइड हो गया, ट्रुथ टेबल भी वेरीफाइड हो गया। अब आते हैं हम नोर गेट पर, नोर गेट का ट्रुथ टेबल देखते हैं। पहले 0 0 0 plus 0 उसका या उल्टा इन्वर्स क्या होता है, 1 आता है, ठीक है। फिर 0 1 का क्या उल्टा होगा, तो 0 0 plus 1 क्या होगा, 1 होएगा, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से मैं देखता हूँ, ये रहा सर्किट, देखिए ये और गेट है, और का पॉजिटिव और गेट हो गया ये, ठीक है। और गेट में हम क्या करके और गेट और नॉट गेट, नॉट गेट देखिए यहाँ पर हम लोग का
ठीक है, और प्लस नॉट इज इक्वल टू नॉर गेट होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं जीरो 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 पे क्या आ रहा है, देखिए मैं देख रहा हूँ जीरो जीरो पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, रुकिए एक मिनट, जीरो जीरो पर वन आ रहा है, वन पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब जीरो 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 वन पर जाते हैं, जीरो पे एक रखा हूँ एक वन पर रखा हूँ, क्या आना चाहिए, देखिए जीरो आ रहा है। ठीक है, अब वन इसको उलट देता हूँ, मैं वन कर देता हूँ इसको, इसको जीरो कर देता हूँ, इसको वन कर देता हूँ, देखिए क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये भी वेरीफाइड है। अब चलता हूँ वन वन, ये दोनों को वन वन पर कर देता हूँ, अब देखता हूँ क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जहाँ से दिख रही सर। ठीक है, देखिए वन जीरो जीरो जीरो, ये इसका आउटपुट हो गया, इनपुट ये हो गया, ये भी इनपुट है, आउटपुट ये आ रहा है। अब हम एक्स और गेट पर चलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से लॉजिकल सिंबल बना हुआ है एक्स और गेट का। ठीक है, इसको इनपुट है ए, बी इनपुट है, ये मैं जीरो जीरो पर रख रहा हूँ। ठीक है, ये वाई आउटपुट है इसका। ठीक है, मैं देख रहा हूँ क्या आ रहा है जीरो जीरो पर, देखिए जीरो जीरो पर क्या आ रहा है, जीरो पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये जीरो है, जीरो हो गया। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल में जीरो आ रहा है। अब देखिए जीरो वन जीरो वन पर रख रहा हूँ, क्या आ रहा है, बहुत ऊपर उठाना पड़ रहा है, फोर पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो सोचिए वन हुआ वो। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया ये भी। अब देखिए वन और जीरो, देखिए इसको वन कर देता हूँ, इसको इसको वन करता हूँ, उसको जीरो करता हूँ, पलट देता हूँ, देखिए क्या आता है, क्या आ रहा है, फोर पॉइंट समथिंग आ रहा है, देखिए इसका मतलब वन आया ये। ठीक है, अब देखिए वन वन पर देख रहा हूँ क्या आ रहा है, दोनों को वन पर रख देता हूँ, अब देखिए उसको जीरो आना चाहिए, देखिए जीरो आ रहा है, देखिए टू ट्रिपल, देखिए आखिरी वाला वन वन पक के रखा तो जीरो आया। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये वेरीफाइड हो गया ट्रुथ टेबल ऑफ एक्स और गेट, सारा चीज़ वेरीफाइड हो गया बाय प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। एक्स और गेट प्लस नॉट गेट मिला के क्या बनता है, एक्स नॉट गेट बनता है, ये यहाँ पर रख देता हूँ मैं। अब पहले हम जीरो जीरो पर, ये देखिए लॉजिकल जीरो है, जीरो पर रख दिया मैं। ठीक है, बहुत अब मैं ये देख रहा हूँ कितना आ रहा है, वन जीरो जीरो आ रहा है, वन आ रहा है। ठीक है, वन आ गया। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया। अब जीरो वन पर देखूंगा मैं क्या आ रहा है, जीरो वन पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब मैं देखा जीरो वन पर देखा, अब वन जीरो पर इसको पलट दूंगा, वन इसको कर दूंगा, जीरो उधर कर दूंगा, अब देखिए क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये भी वेरीफाइड आया हो गया। अब वन वन लेके चलता हूँ, दोनों को वन पर लगा दूंगा मैं, दोनों को वन पर लगा दूंगा। ठीक है, वन पर लगा देता हूँ, अब देखता हूँ क्या आता है, तो थ्री पॉइंट समथिंग आ रहा है वहाँ, देखिए डेट इज वन हो गया। ठीक है, ये देखिए ये ट्रुथ टेबल है इसका, ये इनपुट दिया मैंने, इस तरह से आउटपुट आया। थैंक यू स्टूडेंट्स। ठीक है,